गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल। आज हम देखेंगे ESP कैलकुलेशन इन रेविट। ESP कैलकुलेशन रेविट MEP में कैसे करते हैं। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं। जस्ट टू फैन सेलेक्शन, जस्ट टू सेलेक्ट द फैन। अगर आपको फैन को सेलेक्ट करना है या फैन को परचेज करना है तो आपको ESP चाहिए। How much is the external static pressure? If you want to order the fan with supplier, then supplier you ask ESP how much is the pressure drop. So he has to ask this ESP external static pressure drop. So how to calculate in the rivet? आप देख सकते हैं ये एक simple rivet project है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी डक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है मैकेनिकल सप्लाई एयर टू, एंड दिस इज अनदर सिस्टम। देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल सप्लाई सिस्टम एयर वन। हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर एंड डक्ट प्रेशर लॉस। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे एनालाइज टैब में। एनालाइज टैब में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट एंड शेड्यूल शेड्यूल पैनल में जाना है। रिपोर्ट एंड शेड्यूल पैनल, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना सिस्टम है, जैसे मैकेनिकल सप्लाई ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिस्टम है। 7 सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5 6, टोटल 7 है एक्चुअली। सो 7 सिस्टम इज हियर, 1, 2, 3, 4 5, 6 1 इज हियर इन द कॉरिडोर। सो टोटल इज 7, टोटल 7 सिस्टम है। तो आपको जाना है यहाँ पे डक्ट प्रेशर लॉस में, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से ऐड करना है। आपको आप देख सकते हैं डक्ट एंड प्रेशर लॉस रिपोर्ट सेटिंग, आपको जो जो रिपोर्ट में चाहिए, फ्लो साइज, वेलोसिटी, प्रेशर ड्रॉप, वेलोसिटी प्रेशर लेंथ, लॉस कोफिशिएंट एंड फ्रिक्शन। यहाँ से आपको ऐड करना है फॉर एग्जांपल विड्थ, आप यहाँ से डायमीटर ऐड करना है तो कुछ भी इस पर क्लिक करके सिंपली ऐड कर लेंगे। इसको ऊपर मूव कर लेंगे, साइज देन डायमीटर, कुछ भी रिमूव करना तो सिंपली यहाँ से आपको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। हम डायमीटर को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमको सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दे देते हैं डक्ट प्रेशर लॉस, डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट। सिंपली सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट दी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसके बाद आपको रन टाइम 20 नवंबर, उसके बाद मैकेनिकल सप्लाई ईयर सिस्टम वन, सो सिस्टम क्लासिफिकेशन सप्लाई ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर लॉस कैलकुलेशन बाय सेक्शन फॉर दिस कैलकुलेटेड बाय सेक्शन वाइज। सो सेक्शन वन फिटिंग्स एंड एयर टर्मिनल्स, सेक्शन टू डक्ट एंड फिटिंग्स, देन 3 इज डक्ट एंड फिटिंग्स, और यहाँ पे फ्लो, देन साइज डक्ट साइज, देन डायमीटर, देन वेलोसिटी, देन वेलोसिटी प्रेशर, देन लेंथ, लॉस कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन 0.07 inches of water gauge per 100 feet, then total pressure loss, then section pressure loss। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द क्रिटिकल पाथ शोइंग
और दिस सिस्टम, ये सिस्टम के लिए एक क्रिटिकल पाथ है 3421। सो टोटल प्रेस, सो टोटल प्रेशर लॉस इन दिस पाथ इज 0.07 इंचेज ऑफ वाटर गेज। देन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट बाय सेक्शन। देन फिटिंग लॉस एक्सेसरीज, फिटिंग में क्या क्या लॉस है यहाँ पे दिया हुआ। देन दिस सिस्टम टू मैकेनिकल सप्लायर, सिस्टम टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, देन लॉस प्रेशर लॉस बाय सेक्शन। तो इसमें आपको 0.14 इंचेज ऑफ वाटर गेज एंड दिस इज द क्रिटिकल पाथ। ओके, देन सिमिलरली आपको सिस्टम थ्री के लिए यहाँ पे टोटल प्रेशर लॉस आपको यहाँ पे 0.23 इंचेज ऑफ वाटर गेज एंड दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अगेन सिस्टम फोर, तो आप देख सकते हैं फॉर इस सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रेशर लॉस कैलकुलेट हो चुका है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये प्रोजेक्ट है, ये रिवेट डक डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दिस वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, तो इसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए ये 3D व्यू में कैसे दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को प्लीज़ हमारे लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो को आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।